अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो जैसे आप लोगों ने देखी थी कि मैं पूरा सेटअप फेल कर रहा था और आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए और आप सब ने दुआओं में याद किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अब मोस्टली लोग ये समझ रहे थे सेटअप फेल करने की रीज़न ये है कि भाई बर्ड्स का काम ख़त्म हो गया है और बड़े बड़े ब्रीडर्स जो हैं वो सारे के सारे जो अपना सेटअप फेल कर रहे हैं कि बर्ड्स का काम नहीं रहा। ऐसी कोई बात नहीं थी कि बर्ड्स का काम ख़त्म हो गया है। मुझे फैमिली थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब कि मैं थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था जैसे कि मैंने कुछ लोगों से कर्ज़ा लिया हुआ था, कुछ जो 4-5 महीने सीज़न ऑफ है और मेरा का पूरा डिपेंड करता हूँ मैं बर्ड्स के ऊपर, मैं उसके अलावा कोई जॉब नहीं करता, आपको वो ऐसे पता था। तो मेरी जो कुछ इनकम थी, रिसोर्स जो थी, मैंने जो अपनी सेविंग्स की हुई थी, तो वो मैंने एक दो जगह पे काम, मतलब बर्ड्स के अलावा एक और दो काम किए थे, कुछ ऑनलाइन काम थे उनमें मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है। तो वो वहाँ से मेरा लॉस हो गया था, मतलब 4-5 लाख रुपये का मैंने वहाँ पर लॉस कर दिया था। उस वजह से क्या प्रॉब्लम हुई, जो मेरी सेविंग्स थी वो ज़ाया हो चुकी थी और जो 3-4 महीने जो मेरे लास्ट गुजरे हैं, जैसे कि सीज़न ऑफ था उसमें बर्ड सेल नहीं हुआ, तो उस वजह से मेरी जो क्रिटिकल थोड़ी सी कंडीशन थी वो जो है ना फाइनेंशियली मैं जो थोड़ा सा डाउन में आ गया, थोड़ा सा कर्जा ले लिया कुछ लोगों को। डेफिनेटली बात है 50-60 हज़ार रुपया जो आपका आम, मतलब कि मरे से मरा 50-60 हज़ार का खर्चा, क्योंकि मैं रेंट के घर पर रहता हूँ, 15-20 हज़ार रुपया आपको पता है नॉर्मली रेंट चल रहे होते हैं घरों के। उसके अलावा जिसे कहते हैं आप लोग बिल, आजकल देख लो कितने ज़्यादा आ गए हैं, तो बिल आप देख लो 15,000 रुपये बिल आ रहा है, 10,000 बिल आ रहा है, तो 30,000-35,000 तो खाली बिल में और रेंट में चला जाता है, उसके अलावा खाओ पियो। और तो आराम सुन से आप अगर मैरिड हो तो आपके 50-60 हज़ार रुपया कहीं पे भी नहीं गया। तो आपको डेफिनेटली बात है बर्ड्स की फील्ड में मंथली अर्निंग तो थी नहीं, जो सीज़न में अर्निंग आई हुई थी, जो सेविंग्स थी वो मेरी ज़ाया हो चुकी थी, तो मुझे कुछ लोगों से उधार लेकर अपना घर का सर्कल चलाना पड़ा। तो इस वजह से जिन लोगों से उधार लिए तो उनको वापस करने थे पेमेंट, तो एक दो भाई थे उनको वापस करने थे पैसे, तो मैं जो था थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से मैंने पूरा सेटअप फेल करने पे लगा दिया। तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट आए, आप लोगों ने दुआएं करी, बहुत लोगों ने मुझे कॉल्स करी, नहीं यार पूरा ओवरऑल सेटअप सेल नहीं करें, आप कुछ बर्ड सेल कर दें। तो डेफिनेटली पता, जैसे कि ये रेनबो मेरा लव है, ये मेरा बिजनेस नहीं भी है, मगर रेनबो से मुझे बहुत प्यार है और मैंने 4-5 साल मेहनत करके रेनबोज अपने पास जमा किए थे। तो फिर डिसीजन ये लिया गया है, पहले तो मैं पूरा सेटअप किया और मुझे ऑफर भी आई अल्हम्दुलिल्लाह, एक दो पार्टीज थी जो पूरा का पूरा सेटअप लेने के लिए भी तैयार थी, ठीक है। उसके अलावा एक दो भाई हैं जिन्होंने मुझे कहा कि यार आप टेंशन ना लें, हम आपको भी सपोर्ट कर देते हैं फाइनेंशियली। उसके अलावा जैसे आपका सीज़न ऑन होता है तो हम आपको जो है वो आप हमें रिटर्न कर दीजिए। अब मेरे जितने भी पेड़ देखें, ये दो बैठे हुए पेड़ बन के बैठे, जितने एक ऊपर बैठा हुआ है सामने, ये देखिए जितने भी पेड़ हैं सब मेरे कंफर्म ब्रीडर पेड़ हैं, जो कि मैंने एक एक पेड़ जमा किया था। आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहे हो, ये सारे पेड़ हैं, जितना भी फॉस्टर पेड़ है ये मेरे पास कम से कम 13-14 फॉस्टर पेड़ हैं, कॉमन लटिनोस वगैरह और ये सारा कुछ। तो ये मैंने जो ओवरऑल, अगर मैं ये बेच लूँगा, अगर कुछ सारे फॉस्टर पेयर मुझसे बाय करता है 5,000 रुपये पेयर के हिसाब से, ये तकरीबन 65,000 की कॉस्ट बनती है, तो ये सारे फॉस्टर पेयर मैं एक बंदे को दूंगा। उसके अलावा जो मेरे ब्रीडर पेयर्स हैं, ठीक है, जो मेरी ब्रीडर कलेक्शन है, जैसे ये अल्बिनो रेड आइज हॉट आइटम, जो मेरे ब्रीड करते हुए पेयर्स हैं सारे के सारे, जैसे कि ये अल्बिनो का पेयर बैठा हुआ ब्रीडर, इसने कंफर्म मुझे 3-4 क्लचेस दिए। ये ऊपर बैठे हुए हैं, ये दोनों स्प्लिटिनोज हैं, अब इन्होंने पेयरिंग चेंज कर ली है। वे पेस्टेलिनो भी मेरा एक ब्रीडर मेल है, ये सामने जो बैठा हुआ है, और उससे पार्बलिस पिटिनो की फीमेल है, ठीक है। इसी तरह वो कोने पे भी पेस्टेलिनो का फीमेल है एक, और ये करीमिनो का मेल है, ये अल्बिनो रेड आइज का मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। तो ये मेरे पास दो पेयर्स हैं पार्बलिस पिटिनो इंटू अल्बिनो रेड आइज के, एक पेयर मेरे पास अल्बिनो रेड आइज का पड़ा हुआ है, ठीक है, एक मेरे पास करीमिनो इंटू डेकिनो का पड़ा हुआ है, और दो पेयर जैसे मैंने बताया पार्बलिस पिटिनो इंटू एल्बिनो और दो पेस्टेलिनो इंटू एल्बिनो है, ठीक है। दो पेस्टेलिनो, ये तरह एक ये पेस्टेलिनो का बैठा हुआ है और एक पीछे लटका हुआ है, ये दोनों पीछे नज़र आ रहे हैं, ये पेस्टेलिनो इंटू एल्बिनो के दो पेयर लगे हुए हैं, जिनमें एक पेस्टेलिनो का मेल है और एल्बिनो रेडाइज की फीमेल, और दूसरा पेयर जो है वो आपका पेस्टेलिनो की फीमेल है और एल्बिनो रेडाइज का मेल है, और मतलब दोनों ऑपोजिट लगे हुए हैं, और एक डेकिनो और क्रीमिनो का पेयर है और एक एल्बिनो रेडाइज का पेयर है, और दो जो है पार्बलिस पिटिनो इनके ये पेयर है। तो ये मेरे पेयर हैं, ब्रीडर पेयर हैं, ठीक है, जो चलती हुई चीज़ है, तो जिसको चाहिए हो ये मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो है मेरे पास अप्लाइंस पड़े हुए रेडी बर्ड क्लियर हेड में बिल्कुल, और इसमें मेरे पास जो स्प्लिट्स पड़े हुए हैं ये ब्लैक आई जो स्प्लिट्स हैं, रेड आई से स्प्लिट्स हैं कंफर्म, ठीक है, तो ये भी मिल जाएंगे। ये सारे के सारे मैंने लबर्ड जो है सेल आउट करने पर लगाया, ये टोटल जितने भी लबर्ड्स हैं मेरे पास है 20, मेरे ख्याल से ओवरऑल जो बर्ड हैं ये 13 पेयर या टोटल जो है 25 पेयर बन रहे हैं ऑफलाइंस, 20 मतलब के 12-13 पेयर म्यूटेशन के, जिनमें डेकिनो इंटू करीमिनो, एल्बिनो रेडाइस, पार्बलिस पिटिनो इंटू एल्बिनोस, ठीक है, पेस्टेलिनो इंटू एल्बिनोस, ऑफलाइंस,
ये सारी म्यूटेशन के कम से कम 12 पेयर हैं और 13 पेयर मेरे पास ये फॉस्टिंग है। तो इनकी ओवरऑल जो कॉस्ट बन रही है वो बन रही है 7 लाख रुपए के इर्द गिर्द। तो अगर कोई सारे लेना चाहता है तो वो भी ले ले। अभी मेरे पास ये पेयर है, ये है पेल फेलो स्प्लिट्स हैं, और जो ग्रीन फिशर है वो मुझे स्प्लिट मुझे ऑफलाइन भी लगा क्योंकि वो मेल है, तो वो स्प्लिट ऑफलाइन भी है, स्प्लिट ब्लू भी है, स्प्लिट पेल फेलो भी है। इस पेयर से आपके पास जो है स्पेयरिंग से आपको जो है ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो, ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो, पेल फेलोज, ब्लू पेल फेलोज, ग्रीन पेल फेलोज, पार ब्लू पेल फेलो, ये सारी चीज़ें इस पेयर में से आ सकती है। ठीक है, ये स्पेयरिंग में से। ठीक है, तो ये मेरे पास पेयर पड़े हुए हैं, अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, मैं सारे लबर्ड्स जो है ये दे रहा हूँ। ठीक है, पिंचेस मैंने दे दी हैं, तो ही सिर्फ ये अब रेनबोज जो बजरी है वो मैंने रख ली हैं, बाकी सारे लबर्ड्स जो है मैं सेल आउट कर रहा हूँ। रीज़न क्या है, और वही बात है, वो अमाउंट उनकी रिटर्न करनी है, पूरा सेटअप नहीं ख़त्म कर रहा, और रीज़न मैंने आपको बता दी थी क्या रीज़न्स हुई। बर्ड्स का काम देखें, बंदा बर्ड का टाइम फुल टाइम करने के लिए आपको बैकअप की ज़रूरत है। अगर आप फुल टाइम बर्ड्स का काम करना चाहते हो तो आपको बैकअप की ज़रूरत है, कम से कम आपके पास बैकअप पे 5-10 लाख रुपये होने चाहिए तो आप फुल टाइम कर सकते हो, अदरवाइज़ आप जो है पार्ट टाइम के टाइप पे कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली पता जॉब्स हैं नहीं है, जॉब्स हैं भी तो 25-30 हज़ार की जॉब है, उसमें आपका फ्यूल का खर्चा इतना हो जाता है तो बचता कुछ नहीं है। अगर आपकी अच्छी जॉब आपको मिल रही है 50-60 हज़ार 70 हज़ार की आपके पास अच्छी जॉब है तो एज अ पार्ट टाइम आप बर्ड्स लगा लें, क्योंकि इतना फुल टाइम के सर पर तो नहीं बैठना होता, वही आपने दाना पानी करना होता, डेफिनेटली इसी बात है। तो ये मेरे पास बर्ड्स पड़े हुए हैं, आप लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, सेटअप में फुल ख़त्म नहीं कर रहा आप लोगों की फरमाइश पर। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो ये रीज़न नहीं है कि बर्ड्स के रेट्स गिर गए। और ये देखें इस टाइम पे जो मेरी कलेक्शन जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने सारा कुछ देखा, मेरी पुरानी वीडियोस देखें, ये सारे मेरे बर्ड ब्रीड करते हुए बर्ड्स थे। ठीक है, तो ये सोना है इस टाइम पर, रेट्स जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे मैं बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिसको समझ में आती है वही कॉन्टैक्ट करें। अब लोग बोले पट्ठों के रेटों में बर्ड मिल जाएँ, तो भाई ऐसा कभी भी नहीं होता। फिर भी मैं आपको थोड़ा पर एक रेट बता देता हूँ, एल्विनो रेड आई 35 हज़ार रुपये का पेयर है ब्रीडर पेयर, पार्ब्लू स्पिटिनो इंटू एल्विनो 45 हज़ार रुपये का ब्रीडर पेयर, क्रिमिनो इंटू डेकिनो ब्रीडर पेयर 1 लाख रुपये का, पेस्टलिनो इंटू एल्विनो रेड आई ये मैं दे रहा हूँ 50 हज़ार रुपये का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं सारी की सारी, अगर आप लोगों को समझ में आते हैं रेट तो कॉन्टैक्ट करें, जिसको नहीं आते कमेंट करके यार ये सोने का अंडा देता है ये करता है तो टाइम वाया ना करें, क्योंकि भाई समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जो अभी सीज़न ऑन है, अभी आप बर्ड लगाओगे तो आपको रेडी ब्रीडर बर्ड जो है आपको क्लच देता है, तो एक क्लच में अपनी इन्वेस्टमेंट वो वापस रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपये क्रिमिनो इंटू डेकिनो का पेयर है, अगर वो 3 बच्चे देता है, 3 बच्चों का मतलब होता है अगर फॉर एग्जांपल 2 डेकिनो देता है और 1 क्रिमिनो देता है, क्रिमिनो का एक बच्चा आप 40 हज़ार रुपये का बेचते हो, ठीक है, और डेकिनो का भाई एक बच्चा बिकता है 30 हज़ार रुपये का, 2 बच्चे डेकिनो का हो गए 60 हज़ार रुपये के और क्रिमिनो का एक बच्चा होगा 40 हज़ार रुपये का, तो 3 बच्चों ने आपकी कॉस्ट निकाल दी 1 लाख रुपये की। उसके बाद साल में अगर आप 4 क्लचेस उनके फॉस्टर करके ले सकते हो, 5 ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, आपका वो सारा प्रॉफिट है। इसी तरह एल्बिनो रेड आइज ले लो, कोई भी बर्ड ले लो, एल्बिनो रेड आइज की पट्टी 25 हज़ार रुपये का पेयर बिक रहा होता है, ठीक है, अगर इसमें 3 बच्चे भी दे दिए तो आपके सारे के सारे इन्वेस्टमेंट रिटर्न है। अभी आप फॉर एग्जाम्पल पट्टे उठाते हो 6 महीने 7 महीने की, उनकी डेफिनेटली प्राइसेस कम होती हैं, तो वो आपको साल में 1 क्लच दे सकते हैं मैक्सिमम। तो चलती हुई मशीन कोई भी सेल नहीं करता, मेरी रीज़न ये है कि भाई मुझे मजबूरी पेमेंट की नहीं चाहिए, इसलिए मैं अपनी चलती हुई मशीन दे रहा हूँ, तो जिसको चाहिए तो उसकी कॉस्ट भर के मैं दूंगा, अदरवाइज़ मैं ऐसे ये नहीं कि मेरी मजबूरी है तो मैं बिला वजह का जो बर्ड्स हैं वो मैं कचरे के रेट में दे दूंगा। जिसको रेट समझ में आता है वो कमेंट करें, बिला वजह का नेगेटिव कमेंट्स करके अपना भी और मेरा भी वक्त ज़ाया ना करें, किसी की दिल आज़ारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अल्लाह किसी के ऊपर कोई मुसीबत ना लेके आए, अल्लाह ताला सबके कारोबार में बरकत डाले, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आप लोगों की दुआओं का, मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे और ये सीज़न सबके लिए अच्छे से अच्छा करे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।